चुनाव 2019 भोपाल लोकसभा सीट पर हो रह सकता है बड़ा बदलाव, ये नहीं बड़ी वजह है। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल में, मैं हूँ आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए लेके विशेष अपडेट न्यूज का, आपको जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों आपको बता दें प्रदेश में देश भर में भोपाल लोकसभा सीट चुनावी चर्चा का केंद्र बन गई है। मंगलवार को बीजेपी कार्य प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि उन पर विवादित बयान देने के कारण राजधानी में मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन बीजेपी के जिस कदम से सबको हैरान कर दिया है वह है मौजूदा सांसद आलोक संजर का भी डमी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कराना है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा के साथ वर्तमान सांसद आलोक संजर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके पर्चा भरने से भोपाल की सियासत गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतिम समय में बीजेपी संजर को उम्मीदवार बना सकती है। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन असल एक वजह साध्वी पर हाल ही में हुए FIR बताई जा रही है, जिसके कारण उनका नामांकन निरस्त किया जा सकता है। बीजेपी इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए प्लान बी के तहत पार्टी ने संजर का नामांकन डमी उम्मीदवार के तौर पर करवाया है। अगर चुनाव आयोग अपना फैसला साध्वी के खिलाफ सुनाता है तो और उनका नामांकन निरस्त करता है तो बीजेपी के पास संजर के तौर पर उम्मीदवार रहेगा जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का मुकाबला कर सकता है। बता दें कि संजर का टिकट कटने के बाद से भोपाल में स्थानीय लोगों में उनके प्रति सहानुभूति की लहर चल रही है। अगर ऐसे में संजर को पार्टी मौका देती है तो उनका जीतने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं साध्वी से बीजेपी के कार्यकर्ता की भी काफ़ी खफा है, वह उनके मुताबिक काम नहीं कर रही हैं, जिसके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वहीं उच्च स्तर पर भी साध्वी के बयान को लेकर पार्टी की हाल ही में किरकिरी हो रही है। दर्शकों इतनी कुछ जानकारी जो हम आपके लिए कराए थे मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 संबंधित कुछ विशेष अपडेट। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।